अमृतसर में ठाकुर दलीप सिंह जी की अगुवाई में नामधारी सिखों की ओर से सिख पंथ के पहले शहीद और योद्धा कीर्ति भट्ट जी की याद को समर्पित पहला महान समागम करवाया गया। गौरतलब रहे कि कीर्ति भट्ट जी ब्राह्मण थे, वे अनेक गुणों से भरपूर विद्वान शूरवीर और शहीद योद्धा थे। वहीं इस मौके पर ठाकुर दलीप सिंह जी ने कीर्ति भट्ट जी के जीवन पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर दिल्ली से महेंद्र व्यास, पंडित सतीश शर्मा, अमेरिका से डॉक्टर वीवी प्रकाश राव ने वीडियो संदेश भेजकर समागम को चार चांद लगा दिए। वहीं इस मौके पर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के प्रधान भाई बलजीत सिंह दादूवाल, भाई मनजीत सिंह, श्री श्री 1008 महंत बंसीदास, डॉक्टर स्वामी वागीश्व स्वरूप के अलावा सिख पंथ के प्रचारक, विद्वान, साहित्यकार और ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने विशेष तौर पर पहुंचकर समागम की शोभा बढ़ाई। पहला शहीदी समागम शहीदों का त्यौहार नामधारी सिखों द्वारा सिख ब्राह्मणों जिन्होंने सिख इतिहास में अपना एक योगदान दिया, बलिदान दिया, उनके लिए इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन ठाकुर दिलीप सिंह जी के आदेश पर किया जा रहा है। पूरे सिख इतिहास में किरण भट्ट, उनके भाई मथुरा भट्ट, जिस तरीके से उन्होंने सिख इतिहास में अपने बलिदान दिए और उसका उल्लेख गुणवाणी में भी विशेष रूप से किया गया है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य विशेषकर जिन सिख ब्राह्मणों ने इस सिख इतिहास में अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, उनको इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला, और इस पहल की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं ठाकुर दिलीप सिंह जी को कि जिन्होंने इस प्रकार की पहल की और इस पहल के माध्यम से जितने भी सिख ब्राह्मण हैं खास करके उनको उचित स्थान सिख धर्म में मिले, लोग जाने कि वास्तव में उनका बलिदान सिख इतिहास में किस प्रकार से था। मैं पुनः उनको बहुत बधाई देना। देखो, सब तो पहला तो मैं इस गल की बधाई देनी चाहना वा नामधारी संप्रदाय समूह सिख संगत नूं जिन्हां ने उपराला किया सत्कारयोग ठाकुर दलीप सिंह जी, उन्हां दे सारे सहयोगियों के वलों ये उपराला किया गया कि उन्होंने महान शहीद भाई कीरत भट्ट जिन्हां दी बाणी जिहड़ी है भट्टां दे सवैये धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह च दर्ज है, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई, उन्होंने उच्चारण की हुई गुरु की महिमा धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह च दर्ज है। तो मैं समझदा कि बहुत ही शलाघाजोग उपराला जिहड़ा ये नामधारी संप्रदाय वालों किया जा रहा वा। श्री अमृतसर साहब की धरती से मैनूं हुक्म होया सीगा कि इस समागम दे विच पुज के मैं दर्शन ददारे करा, तो एक होर बड़ा सुहावना इस समागम का जिहड़ा एक पक्ष है कि इन्होंने समूह धर्मां दे बुलारियां नूं बुला के और कीरत भट्ट जी बाबत जिहड़े महान शहीद होए आ छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की रहनुमाई च जिन्हां ने जंग लड़ी और जंग दे मैदान विच जूझद्या होया भाई मनी सिंह जी के बजुर्गों के नाल जिहड़े अमर शहीद बंद बंद जिन्हां कटाया भाई मनी सिंह जी उन्हां दे बजुर्गों के नाल उन्होंने जंग दे विच हिस्सा लिया छेवें पातशाह की अगवाई दे विच ते शहादत का जाम पीता। सो मैं एक बेनती करनी चाहुंदा कि सानू अपने जो साडे पुरखे आ, जो शहीद ने, जो संत भगत ने, योधे ने, उन्हां दे पाए पूरनिया ते चलना चाहीदा, और ये जिहड़ा समागम है इसे दी प्रेरणादायक समागम है जिस दी जिन्नी भी शलाघा की जाए थोड़ी है। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख सेवादार होने के नाते मैं नामधारी समूह सिख संगत को इस गल की बधाई देना, मुबारक देना कि उन्होंने उस महान शहीद को याद करदिया जो जंग के मैदान के शहीद होए, जिन्होंने गुरु साहबाना की संगत की, गुरु साहबाना की महिमा की और धर्म की जंग के जिहड़ा सी जंग के मैदान में जाके छेवें पातशाह की अगवाई जिन्होंने शहादत का जाम पीता। सो इस गल की मैं मुबारक दिना नामधारी सिख संगत को कि उन्होंने उपराला किया, समूह देशवासियों समूह संगतान शहीदों के पाए पूरनिया चलण की अपील कर